क्या मुमरा शहर भूल गया है लकी कंपाउंड के इस हादसे को? क्या टीएमसी भूल चुकी है लकी कंपाउंड के हादसे को? क्यों बन रही है अनाधिकृत बांध काम मुमरा शहर में धड़ल्ले से? किसके मार्गदर्शन में बन रहा है अनाधिकृत बांध काम मुमरा शहर में? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। विधायक जितेंद्र अवार्ड ये कहते एक तरफ कि जहां पर भी अनाधिकृत बांध काम दिखे उसकी फोटो मुझे भेजिए, मैं खुद वो तोड़वाऊंगा। कि आपके घर के सामने आजू में बाजू में कहीं भी अभी इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है तो आप मुझे उसका फोटो भेज दीजिए, मैं खुद आके उस बिल्डिंग को तोड़ने लगाऊंगा। जहाँ 6 सालों में उतनी इमारतें नहीं बनी जितना ये 6 महीनों के बीच बन रही है, तो हम विधायक जितेंद्र अवार्ड जी से कुछ सवाल करना चाहेंगे। क्या उन्हें ये नहीं पता उनके नगर सेवक या उनके जो कार्यकर्ता है उन लोगों के पैनल में अगर कोई अनाधिकृत रूम बन रही है तो क्यों इसकी जानकारी नगर सेवक तक नहीं पहुंच रही है? हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे। मुमरा कोलीवाड़ा से सटा जो परिसर है वहां पर एक अनाधिकृत रूप से रूम है कि बिल्डिंग है क्या है हमें ये नहीं पता, लेकिन हम ये पूरी तरीके से कह सकते हैं वो पैनल के अंदर कितने नगर सेवक आते हैं ये आप सभी जानते हैं। वहाँ के बहुत ही वरिष्ठ नगर सेवक है, उनको ये बात नहीं पता कि उनके ही वार्ड में जो है अनाधिकृत रूप से बन रही बिल्डिंग है। और इस विधायक जितेंद्र अवार्ड जी के इस वीडियो के बाद से काफ़ी हंगामा हुआ, जिसके बाद काफ़ी सारे जगह पर जो है जो काम है वो रुक गया, लेकिन उसके बाद जो निर्माण हुए वो फटाफट बन गया। और आप ये सोचने वाली बात है, टीएमसी और जो नगर सेवक है वो लोगों के आशीर्वाद के बिना कैसे बिल्डर वो कैसे इल्लीगल निर्माण कर सकते हैं? तो ये सब सवाल है और आने वाले दिनों में पूरी बिल्डिंगों के साथ में खुलासा करूंगा और खुद ये विधायक जितेंद्र अवार्ड जी के साथ में मैं पहल करूंगा कि जो अनाधिकृत रूप से बन रही इमारतें हैं उनको कैसे ना कैसे कार्रवाई होए। और हम आपको कुछ तस्वीरें मुमरा के साथ साथ शील और बाईपास की भी दिखाएंगे, कैसे वहाँ पर भी धड़ल्ले से चल रहा अनाधिकृत रूप से बांध काम। आप वीडियो देखिए किस तरीके से निर्माणकर्ता जो है वो बिना किसी झिझक के पता नहीं कौन से आशीर्वाद इनको मिल गया है कि वो इतना डेयरिंग से जो काम है वो कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, और सवाल मेरा वही है, क्या लकी कंपाउंड के हादसे को टीएमसी भूल चुकी है और कब इन अनाधिकृत बांध काम के खिलाफ करेगी टीएमसी कार्रवाई? और विधायक जितेंद्र अवार्ड जी का ये जो वीडियो था, क्या इस वीडियो के बाद भी निर्माणकर्ताओं को डर नहीं कि जो हमारी निर्माण है उसको रोक दिया जाएगा या तोड़ दिया जाएगा? किसका आशीर्वाद मिल रहा है इतने बड़े पैनल में जो 6-6, 7-7 महला बिल्डिंग है तैयार हो जा रही है? देखिए पूरी वीडियो और खुद फैसला करिए कि अनाधिकृत बांध काम जो है क्या उनको ये बांध काम नहीं दिख रहा। इसी के साथ तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।